अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गल्फ इन्फॉर्मेशन YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग कतर से कुछ खबरें आ रही हैं, उस खबरों के बारे में जानेंगे। कुछ खबरें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीज़ा को लेकर, तो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कतर से क्या अपडेट्स आ रही है, क्या खबरें आ रही, सारा डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं हम लोग कतर नेशनल लाइब्रेरी को लेकर। तो भाइयों, आप लोग जानते होंगे कतर में एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है और बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है, जिसका नाम है कतर नेशनल लाइब्रेरी। साथियों, यदि आप लोग लाइब्रेरी का मतलब नहीं समझते तो मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बता देता हूं, जहां पे हर एक किताबें रखी जाती है उसी को लाइब्रेरी कहा जाता है। तो कतर में एक नेशनल लाइब्रेरी है, कतर नेशनल लाइब्रेरी, जिसे पूरी दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लाइब्रेरी यानी दुनिया का सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी के तौर पे कतर नेशनल लाइब्रेरी को चुना गया है, जो कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी उपाधि है कतर को। पूरी दुनिया में बहुत सारे लाइब्रेरियां हैं, चाइना में से दोस्तों एक से एक लाइब्रेरी है, पर उसके बावजूद भी कतर के नेशनल लाइब्रेरी को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द ब्यूटीफुल लाइब्रेरी को चुना गया है। अगली खबर दोस्तों, यार साथियों, न्यू सर्विस को लॉन्च किया गया है कतर वीजा सेंटर में। तो खबर क्या है, न्यू सर्विस लॉन्चेज एट कतर वीजा सेंटर। तो भाइयों बता दूं आपको, यदि आप किसी भी देश से ताल्लुकात रखते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, तो इन सभी जगहों पे जहां जहां भी आपको वीजा सेंटर बना हुआ है, जैसे कि मैं सिंपल बताता हूं, जैसे इंडिया में हैदराबाद में वीजा सेंटर है, मुंबई में है, दिल्ली में है और कोलकाता वगैरह में भी है, वहीं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, बांग्लादेश में ढाका में है, तो इन सभी जगहों पे जहां जहां भी कतर वीजा सेंटर बना हुआ है कतर का, वहां पे दोस्तों एक नए सर्विस को लॉन्च किया जा रहा है। तो यदि आप अभी कतर वीजा सेंटर जा रहे हो तो आप थोड़ा पता कर लीजिए कि कौन सा न्यू सर्विस को वहां पर इशू किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है। दोस्तों जैसा कि खबरों को यहां पर पढ़ भी सकते हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, वो भी बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर दोस्तों इसलिए है क्योंकि कतर सेलेक्टेड फॉर यूके सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विस। कतर दोस्तों, कतर को चुना गया है यूके के तरफ से, यूके के तरफ से कतर के सिटीजन को वहां पे सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विस अब दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन का प्रोसेस लगेगा। अब साथियों, ये वीजा सर्विस मिलने के बाद कतर के नागरिक जो भी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जाने वाले हैं, तो उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम से उन लोगों को छुटकारा मिलने वाला है, वीजा मिलने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब पासपोर्ट की रैंकिंग होती है तो उसी रैंकिंग के आधार पर ये सब दोस्तों दी जाती है। तो फिलहाल इस साल जो है यूनाइटेड किंगडम के तरफ से यानी यूके के तरफ से कतर को सुपर प्रायोरिटी वीजा दिया जा रहा है सभी कतरी नागरिक को, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, बहुत ही बड़ी दुर्घटना होते होते साथियों बच गई है। सऊदी अरेबिया का एक सऊदी एयरलाइंस जो कि पेशावर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर में लैंड करने वाला था, लैंड करने के दरमियान ही उस प्लेन में आग लग गई सऊदी एयरवेज में। जैसा कि दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हो वहां पे किस तरह से आग को बुझाया जा रहा है। साथियों, आग लगने का रीजन अभी तक तो क्लियरिफाई नहीं किया गया, पर अच्छी खबर इसमें यह है किसी को कुछ हुआ नहीं है, आग को अच्छी तरह से बुझा लिया गया और सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल दिया गया है। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।